पूर्वी दिल्ली का नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल, जो कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए जाना जाने वाला अस्पताल, इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले 5 महीनों से रुका हुआ वेतन व वेतन न मिलने के चलते आज स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टर, नर्स व ABCD के समक्ष कर्मचारी ने आज संपूर्ण हड़ताल कर दी है। आप तस्वीर में स्वयं देख सकते हैं कि जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन का समस्त स्टाफ हड़ताल कर रहा है। डॉक्टरों का और नर्सों का कहना था कि 4 महीने से वेतन न मिलने की वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। स्वामी दयानंद अस्पताल में हड़ताल के चलते किसी भी मरीज को अस्पताल के अंदर नहीं आने दिया गया, जिसके चलते अस्पताल के गेट के बाहर मरीज बेहाल नजर आए। मरीजों का कहना था कि डॉक्टरों और नर्सों द्वारा अस्पताल में हड़ताल की गई है, उनका वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते OPD, गायनी सभी डिपार्टमेंट बंद है। डॉक्टरों का कहना था कि जब तक निगम प्रशासन उनका वेतन नहीं देता है, इसी तरीके से हड़ताल चलती रहेगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और निगम प्रशासन की होगी। नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि कोरोना काल में बेहतरीन सेवा देने के बाद निगम ने 4 महीने से उनका वेतन नहीं दिया है, हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया है, लोगों से उधार पैसे लेकर घर चला रहे हैं, हम भी मरीजों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन मजबूरी बस हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। हमने पूरे कोरोना में बेहतरीन सेवाएं दी है, लेकिन निगम प्रशासन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जब तक निगम की तरफ से हमारा वेतन नहीं मिलता और हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। जो आप हड़ताल कर रहे हैं, किस जगह पर और क्या क्या हड़ताल? सर, हम सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहाँ स्वामी दयानंद के सारे कर्मचारी हैं, ABCD ग्रुप के सभी, और पिछले 2 साल से आप सभी ने देखा होगा कि कोविड भी आ गया, डेंगू भी आ गया, उसके बाद दोबारा से कोविड आया, कोविड की थर्ड लहर भी आई है। हमने अपना काम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ किया है सभी लोगों ने। जब लोग घरों में बंद थे, तब हम हॉस्पिटल के अंदर थे और आते थे, सभी मरीजों की सेवा करते थे, जो भी हमारे अधिकार थे सब काम करते थे। तभी हमारा किसी ने नहीं पूछा, फिर भी हमारी सैलरी नहीं आई 4-4 महीने से। हमारे 2014 से DA के एरियर वगैरह, ट्यूशन फीस सारा कुछ पेंडिंग है, छुट्टियां हमारी कैंसिल करके हमने अपना फैमिली को सबको एक्साइट करके यहाँ मरीजों की भी सेवा की, सारे काम किए। लेकिन अब हम जो जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारी भी तो एक फैमिली है, हम भी तो किसी चीज़ के लिए नीड है, हमको भी तो वो सारी चीज़ें जरूरत है, पैसे से ही पूरी होती है, हमारी EMI है, ट्यूशन फीस है। बात करें कब तक जारी रहने वाली है? हड़ताल हमारी इंडेफिनेट है, जब तक हमारे सॉल्यूशन नहीं हो जाते हैं सब चीज़ों के। हमें हमारी अब तक का जो सैलरी है पेंडिंग, वो जब तक क्रेडिट नहीं हो जाएगी तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। हमारे ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं हो जाते, रेगुलराइजेशन ऑफ सैलरी का, और जो हमारे LTC, HT ये सारी जो है NPS वगैरह के, जो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में बंद कर दिए थे, वो जब तक हमारे रेगुलर नहीं हो जाते तब तक ये हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। सर, आज आप खड़े हैं और कब तक ये स्ट्राइक चलने वाली है? हमारी 3 मांगे हैं एक्चुअली। एक तो हमारी 4 महीने की सैलरी हमारे अकाउंट में होनी चाहिए, और आगे हमें दूसरी डिमांड ये है कि हमें एश्योरेंस होना चाहिए कि हमारी रेगुलर सैलरी आएगी। तीसरी डिमांड है हमारे ड्यूज और हमारी LTC जो हमारी रोकी गई है। किसी की भी एम्प्लॉयज़ की आज तक गवर्नमेंट का उठा के देख लो, कभी भी LTC नहीं रुकती, और हमारे लिए ऑर्डर निकल जाता है जी LTC बंद, कभी कोविड हो, डेंगू हो, हमारी छुट्टियाँ बंद, हमें सैलरी बंद, तो हम लोग करें कैसे सर्वाइव? कोई बताने के लिए कोई नेता खड़ा होगा यहाँ के कि कैसे लाइफ चलती आगे? सब कुछ तो बंद है। बच्चे पूछते हैं, यार मम्मी सब लोग जाते हैं LTC में, आप क्यों नहीं जा सकते? आप कौन जवाब देगा इस चीज़ का? स्ट्राइक को लेकर बात करें, क्या क्या बंद किया हुआ है आपने और कब तक चालू रहेगा? अभी हमारे यहाँ लेबर रूम बंद है, गायनी डिपार्टमेंट पूरा, NICU बंद है, ICU बंद है और OPD बंद है, टोटल शटडाउन है। अच्छा, बात करें जो मरीज बाहर खड़े हैं, दुख दर्द से आप स्वामी दयानंद जाना जाता है, सबसे पहले काम करता है, लेकिन इस समय उनको परेशानी क्यों झेलनी पड़ी? तो हमें परेशान किया गया ना, तो ये नौबत आई ना, नहीं तो हम तो आज तक पेशेंट के लिए खड़े थे आज तक, इसीलिए तो आज तक चल रहा था यहाँ पे। 4 महीने किसी ने पूछा आके कि पेशेंट की खातिरदारी कौन कर रहा है, कौन उसकी सेवा कर रहा है बिना सैलरी के? 4 महीने से भी कर रहे थे हम लोग, आज भी हम क्यों खड़े हुए? क्योंकि हम इस कगार पे आ गए, कोई हमारी सेवा कर दे आके? हमारे घर वालों से हमें ले लेके पैसे खाने पड़ते हैं भाई साहब। सच तो ये है कि हम हड़ताल चाहते ही कहाँ हैं, हम लोग तो सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं, हम तो किसी के दवाई देकर उसकी पीरा हरण, यानी कि उसका दर्द हरण करने वाले हैं, हम तो पीरा हरण वाले हैं लोग हैं, हम किसी को दर्द देने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें आज यहाँ खड़े, एक देहात की कहावत में कहूँ तो हमें अपने अपने सीने पर, छाती में पत्थर रखे हैं, खड़े होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जेब में आज इतने भी पैसा नहीं है कि शाम को अगर बच्चे किसी काम के लेकर आएंगे तो हम पैसा निकाल कर दे दें। हमारे जेब में आज इतने पैसा नहीं है कि हम जाएँ घर बीवी से कहें कि लो आप घर के सामान ले आओ, सब्जी ले आओ, हमारी मजबूरी है।
हम दुखी होकर यहाँ खड़े हुए हैं। वेतन नहीं मिला, वेतन आज 1 तारीख से 5वां महीना शुरू हो गया है, 4 महीने हो गए हमें। कैसे घर चल रहा है भाई? घर चली कहाँ, घर तो रुका पड़ा है घर तो। अब तो हम सरकार चलाने आए हैं, यहाँ से कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो आज आप लोगों ने गेट बंद किया हुआ है, मरीज बाहर खड़े हुए हैं, बेहाल है। नहीं, गेट तो हमारा खुला हुआ है, लेकिन हाँ ये फैक्ट है हमारी ओपीडी हमने सेवाएं बांध देते हैं हमारी सारी, हम सेवा दें। हम मरीजों का दुख बुरा नहीं चाहते, हम मरीजों को कहाँ चाहते, हम तो चाहते हैं मरीज ठीक होकर जाए, लेकिन हमारी मजबूर हमको इस निकम्मी सरकार और प्रशासन ने हमको यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। कितने दिन हड़ताल ये चलने वाली है? तब तक हमारी सैलरी 4 महीने की सैलरी नहीं आ जाती, और बाकी एरियर वगैरह के में एरियर वगैरह के लिए रिटर्न इंश्योरेंस हमें प्रशासन हमें नहीं देता है, तब तक यहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।